है दोस्तों, इंतजार का घड़ी खत्म हुआ है एंड फाइनली हम हीरा नंदिनी पवई पहुंच गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम हीरा नंदिनी गार्डन का सैर कराएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, यहाँ का सीन जो है वो देखने लायक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा बिल्डिंग भी है और इसीलिए हीरा नंदिनी को सपनों का शहर कहा जाता है, यानी मुंबई का सपनों का शहर हीरा नंदिनी। यहाँ पे फिल्म का शूटिंग भी चलता है। आप अगर कोई फिल्म देखे होंगे जहाँ पर ये सीन दिखाया गया हो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों, ये जो पथ है, ये रास्ता जो है, ये डीमार्ट इधर जाने का रास्ता है और उधर ही हीरा नंदिनी गार्डन मिलेगा। तो हम गार्डन के अंदर जाके आपको सारा चीज़ भी दिखाएंगे, ये गार्डन कैसा है सब कुछ दिखाएंगे। और तब तक आप वीडियो के लास्ट तक एक बार फिर से बने रहिए। मेरे साथ मुंबई का दोस्त राकेश शर्मा। हेलो, दो शब्द बोलिए हीरा नंदिनी के बारे में। हीरा नंदिनी एक बहुत अच्छा स्मॉल सिटी के नाम से जाना जाता है और डीमार्ट करके कि इधर पे एक बहुत बड़ा मॉल जैसा शॉप है जिसमें हर एक सामान मिलता है, हर एक वस्तु मिलती है, जहाँ पे हम खाने पीने के से लेके वस्तु तक किसी भी वस्तु का सामग्री ले सकते हो उस जगह पे। थैंक यू राकेश जी। वो सामने में डीमार्ट है, आप देखिए पीस ऑफ इटली, उसको यानी हीरा नंदिनी को पीस ऑफ इटली इन मुंबई कहा जाता है। यहाँ का जो स्वच्छता है यानी साफ सुथरा, वो काफ़ी देखने लायक है। आप पीछे क्लीनेस्ट सिटी, मुंबई का क्लीनेस्ट एरिया। हीरा नंदिनी जो है वो मुंबई का रेसिडेंटल टाउनशिप है, फर्स्ट रेसिडेंटल टाउनशिप, ये हम कुछ जानकारी गूगल से प्राप्त किए हैं। हम हीरा नंदिनी गार्डन के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, आपको हम अंदर से भी दिखाएंगे। आई एम सो सॉरी दोस्तों, ये पार्क तो बंद है ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन। फिर भी आपको हम कुछ जानकारी बता देते हैं। हीरा नंदिनी गार्डन जो है उसका फाउंड यानी खोज डिस्कवर दिसंबर 1989 में निरंजन हीरा नंदिनी और सुरेंद्र हीरा नंदिनी के द्वारा किया गया था और ये पार्क यानी गार्डन अभी तक चल रही है अच्छे से। और इस पार्क का जो लंबाई चौड़ाई है वो 1.4 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है 1 किलोमीटर है। और यहाँ से टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल 100 हेक्टेयर यानी 250 एकड़ में ये फैला हीरा नंदिनी गार्डन मुंबई का एटलीस्ट फेमस गार्डन है। दोस्तों, अगर राजनीतिक की बात करें तो हीरा नंदिनी का जो MP है वो पूनम महाजन है, जो BJP से बिलोंग्स करती है। और यहाँ का जो MLA है वो दिलीप लांडे है, जो SS से बिलोंग करते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सपनों की नगरी मुंबई में आपका स्वागत है, वेलकम टू ड्रीम सिटी इन मुंबई। हीरा नंदिनी का सबसे डिफरेंट बिल्डिंग है ये। सब बिल्डिंग अक्सर इस रंग के, पीले रंग के होते हैं इस तरह के, लेकिन ये सबसे डिफरेंट है ब्लैक एंड वाइट कलर का। और इसका शेप जो है वो बोट के जैसा है, सीप, नाव, नदी में जो चलती है सीप, उसके जैसा इसका शेप है। इस बिल्डिंग को आपको हम अलग एंगल से दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो
दोस्तों, इस वीडियो को शूट करने में 2 दिन तो लगे हैं और एडिट करने में भी 2 दिन शायद लग गए हैं। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पहाड़ पे चलते चलते पैर थक गया है, दुख रहा है, काफ़ी ऊंचा है और ये आप पीछे वाला बिल्डिंग देखिए, पूरा बराबर दिख रहा है। एंड फाइनली गाइज, टाइम टू टेक अ स्टॉल। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिस भी टॉपिक पे हो। एंड आप लोग इन्जॉय कीजिए, तब तक के लिए।